जाट प्रभुत्व वाले राज्य के अंदर गैर जाट को सीएम के एक्सपीरियंस का फायदा लिया गया और आज भी पीठ के पीछे आदरणीय मनोहर लाल जी खड़े हैं तो उनके एक्सपीरियंस भी साथ साथ चलेगा। कोई नाराजगी किसी की नहीं थी, ये भविष्य के गर्भ में है। यादव जी साढ़े तो यादव जी हैं हमारे साथ बातचीत करेंगे। यादव जी, क्या सर्वसम्मति से ये डिसीजन लिया गया नायब सिंह सैनी का? विधायक जी, क्या रहा मीटिंग में, क्या कुछ बातचीत हुई आज? आज विधायक दल की बैठक में विधायक दल के नेता के रूप में श्रीमान नायब सैनी जी को मनोनीत किया है और शाम को 5 बजे गवर्नर हाउस में वो सीएम पद की ओथ लेंगे। अभी उसकी विस्तार से कोई चर्चा नहीं हुई। मनोहर लाल खट्टर जी को बदलने के पीछे क्या कारण रहे, क्यों जो है ना पार्टी ने इस समय पे मनोहर लाल को उससे ज्यादा ऊंचाइयों पे ले जाएंगे? पार्टी का जहाँ उपयोग होता है वहाँ मैं बता तो रहा हूँ, पार्टी उनको और बड़ा दायित्व देगी, सेंटर में जाएंगे। तो तस्वीर साफ हो चुकी है, जो सस्पेंस था वो खत्म हो चुका है और आपका चैनल एबीपी न्यूज आज सुबह से जो आपको खबर बता रहा था उसी खबर पर मोहर लगी है। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं नायब सिंह सैनी। हमने एबीपी न्यूज पर आपको 2, 3, 4, 5 नाम नहीं बताए, हम एबीपी न्यूज पर आपको सिर्फ एक नाम बता रहे थे, हरियाणा की सियासत से आने वाला ये नाम नायब सिंह सैनी का नाम हम बता रहे थे, जो फिलहाल हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष हैं, जो कुरुक्षेत्र के सांसद हैं और जो ओबीसी समाज से आते हैं। एबीपी न्यूज ने आपको बताया था कि नायब सिंह सैनी ही हरियाणा में अगले मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और उसी खबर पर मोहर लग गई है। नायब सिंह सैनी के नाम पर विधायकों ने सहमति जता दी है। नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर शाम 5 बजे शपथ लेने जा रहे हैं। 2014 जाट प्रभुत्व वाले राज्य में बीजेपी की तरफ से गैर जाट को सीएम की कुर्सी पर पहुंचाया जाता है और अब यह प्रयोग एन चुनाव से पहले और आगे बीजेपी बढ़ाती हुई इस रूप में नजर आ रही है रोहित, कि यहां पर गैर जाट ही नहीं बल्कि ओबीसी समुदाय से आने वाले एक शख्स को सीएम की कुर्सी पर बीजेपी पहुंचा रही है। रोहित, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, हमने भी अपने दर्शकों को जो हमने सुबह भी रोमाना बताया था यही कि भारतीय जनता पार्टी, मैंने बड़े दावे के साथ कहा था, हरियाणा की राजनीति में एक नया पन्ना बीजेपी ने खोला है नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाकर। हरियाणा की राजनीति में रोमाना आज तक कभी ओबीसी पॉलिटिक्स की बात नहीं हुई थी हरियाणा की राजनीति में, वहां जाट गैर जाट राजनीति की बात हुई रोमाना। आप भी लंबे अरसे से देख रहे हैं हरियाणा की राजनीति को करीब से, लेकिन यह पहला मौका है कि ओबीसी 32% ओबीसी की जातियां, 70 जातियां और उपजातियां रोमाना जो कि ओबीसी को रिप्रेजेंट करती हैं, तो उनका चेहरा नायब सिंह सैनी एक नया अध्याय हरियाणा की राजनीति में शुरू किया है। और देखिए, जेजेपी से गठबंधन टूटना, मुख्यमंत्री बदलना, नया मुख्यमंत्री लेकर आना और पूरी की पूरी टीम बदलना। आपने भी एक बात कही थी रोमाना सुबह, आपने कहा था कि हरियाणा में गुजरात मॉडल लागू हुआ, वही हुआ, पूरी सरकार चेंज, मुख्यमंत्री के साथ साथ नया मंत्रिमंडल, यानी एंटी इनकम्बेंसी जो थी 9 साल की उसको भी साफ, क्योंकि ठीक लोकसभा चुनाव के बाद अक्टूबर में विधानसभा का चुनाव होना हरियाणा का, और हरियाणा में बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रह गई थी रोमाना, यही तमाम वजह बनी कि इतना बड़ा फैसला लिया गया और आज ये तस्वीर सामने आई कि नायब सिंह सैनी अगले मुख्यमंत्री होंगे, 5 बजे वो शपथ लेंगे। बिल्कुल, 2019 में भी जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुआ था तो बीजेपी अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा नहीं हासिल कर पाई थी, इसी वजह से निर्दलियों और जेजेपी के सहारे बीजेपी को सरकार बनानी पड़ी और ऐसे में अब लोकसभा चुनाव और उसके बाद इसी साल अक्टूबर नवंबर के महीने में हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी है, तो कुल मिलाकर उसके मद्देनजर ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। लेकिन लोकसभा चुनाव तो जाहिर सी बात है मोदी का चुनाव होता है, मोदी के चेहरे पर लड़ा जाने वाला चुनाव होता है, ऐसे में पिछले 2 बार से हम देख रहे हैं कैसे हरियाणा में 10 की 10 का स्ट्राइक रेट बीजेपी हासिल कर रही है, कमोबेश लोकसभा चुनाव से पार पाते हुए उससे आगे बढ़ते हुए ये सारी सियासी जुगत जो है वो 24 में होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव को देखते ही की गई है। रोहित, तुम्हारे बिल्कुल आपने सही कहा, ये पूरी कवायद 2024 के चुनाव को, देखिए इससे पहले लोकसभा चुनाव में ये करना बीजेपी के लिए फायदेमंद था, विन विन सिचुएशन, दुष्यंत चौटाला के लिए, बीजेपी के लिए, सरकार के लिए, मनोहर लाल खट्टर के लिए भी। अब वो केंद्र में जाएंगे, करनाल से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, नरेंद्र मोदी की टीम में रहेंगे क्योंकि उनके वो करीबी माना जाता था, पीएम के साथ रहेंगे, अब उनके पास 9 साल बतौर मुख्यमंत्री का अनुभव है, संगठन का अनुभव है, तो ऐसे में वो केंद्र में नरेंद्र मोदी की टीम में रहेंगे, प्रदेश में पूरी टीम बदल दी, पूरी एंटी इनकम्बेंसी धो दी, साथ ही साथ जो एक एंटी बीजेपी वोटर था, जो बीजेपी के विरोध में था,
वो वोटर अब दुष्यंत चौटाला अगर खड़े होते हैं तो कांग्रेस के जो समर्थक वोटर है वो भी उनको तोड़ेंगे, उसका भी फायदा बीजेपी को मिलेगा। तो बीजेपी ने एक बड़े प्लान